नमस्कार। अग्निपथ योजना जब से शुरू हुई तब से इस पर जमकर राजनीति हुई। जी हां, अग्निपथ योजना जिसे मोदी सरकार ने 14 जून 2022 को रक्षा विभाग में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए लागू किया था, इसके वीरों को बड़ा ही आकर्षक नाम दिया गया, अग्निवीर। योजना के लागू होने के कुछ ही महीनों के भीतर देश भर में युवाओं ने इसका विरोध किया। रोड पर हिंसा और ट्रेन जलाने की खबरें सामने आई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इस योजना को खत्म कर देंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्ते, आज मैं आपसे अग्निवीर के बारे में बात करना चाहता हूं। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, मगर अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा हो रहा है। एक 75 साल का व्यक्ति अपने मित्रों की मदद करने के लिए 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहा है। देश में दो तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल जवान होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, और अगर कुछ हुआ तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर आप अग्निवीर, आपको कुछ ही समय बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी, और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, आप चाइना के जवान के सामने खड़े होंगे। चाइना का जवान 4-5 साल की ट्रेनिंग के लेके आएगा और हमारे लोग 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उनसे लड़ेंगे। नतीजा आपको मालूम है। ये हिंदुस्तान की देशभक्ति से, हिंदुस्तान की सेना से खिलवाड़ है। ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, सेना का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार आएगी, हम आपके लिए और देश के लिए अग्निवीर को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। धन्यवाद। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इसके फायदे बताते हुए कहा कि एक भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको जॉब देने की पूरी योजनाएं हैं। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा। अग्निवीर योजना सेना के जवानों की एवरेज आयु कम करने के लिए है। अग्निवीर उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि 100 अग्निवीर सिलेक्ट होते हैं, उसमें 25 तो सेना में परमानेंट नौकरी में चले जाएंगे जिनको सारे बेनिफिट मिलने हैं, और जो 75 है उसके लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और बीजेपी शासित सभी राज्य सरकारों ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनके लिए रिजर्वेशन रखा है, आयु का रिलैक्सेशन दिया है, मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको रिलैक्सेशन दिया है और एग्जामिनेशन में भी वेटेज दिया है। तो एक भी अग्निवीर जो वहाँ से 75 अग्निवीर वापिस आएंगे, एक भी बेकार नहीं रहने वाला है। और अब सरकार इसमें कुछ परिवर्तन करने जा रही है। जी हाँ, सरकार लोकसभा चुनाव नुकसान के बाद इस योजना में सुधार के लिए गंभीर है। यही कारण है कि जो भी इसमें सुधार के सुझाव आएंगे उन्हें अगले 100 दिनों के भीतर लागू कर सकती है मोदी सरकार। योजना में ये हो सकते हैं बदलाव। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए सभी आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल तक अभी है, पर अब इसे बढ़ाकर 17.5 साल से 23 साल तक किया जा सकता है। 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों का 25% से बढ़ाकर 70% तक किया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। अग्निवीरों की सैलरी और एक मुश्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की प्रबल संभावना है। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में मददगार हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक चला तो आगामी भविष्य में अग्निवीर योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है। और राजनीतिक ज्ञाता बताते हैं कि एनडीए की सरकार को या भाजपा को अग्निवीर योजना के कारण लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ा है।